हिस्सा। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को लिस्टेड किया गया था। इस बीच जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ना ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सुनवाई शुरू होने के बाद पहले तो जजों ने चुनौती देने वाले एनजीओ से सवाल किया कि किन नियमों का उल्लंघन किया गया है, फिर सुनवाई से हटने की घोषणा की। इसके बाद मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया। एडीआर ने याचिका में कहा कि गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है, साथ ही यह निर्वाचन आयोग की सांस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है। एडीआर ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ और स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की है। एडीआर ने याचिका के माध्यम से केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर स्वयं के लाभ के लिए अरुण गोयल की नियुक्ति करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में अरुण गोयल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण और मनमानी थी। देश के 160 अधिकारियों के पूल में से 4 अधिकारियों का चयन किया गया था और उनमें से कई गोयल से छोटे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।